हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 243 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि बैठने ही लगे थे देवराज इंद्र, लेकिन साथ ही नारद जी बोल गए कि अभी वेट करें भाई कुमार जी का। बाकी आगे देखते हैं, करते वीडियो स्टार्ट। क्योंकि इस समारोह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा की अनुपस्थिति में सेनापति का अभिषेक नहीं हो सकता, ये तो सुना है। किंतु राजा का अभिषेक हो किसी सेनापति की अनुपस्थिति हेतु रुकना पड़े, ये पहली बार सुन रहा हूं। आपका बनता है क्या? सेनापति राजा से अधिक महत्वपूर्ण होता है, और हमारे लिए उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता। इतनी जल्दी? देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! जिस दिन तारकासुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण करके हमें पलायन करने पर विवश कर दिया था, हमसे स्वर्ग लोक की और आप लोगों की दुर्दशा देखी नहीं गई। मैं तब से एक ही स्वप्न पोषित कर रहा था कि कैसे तारकासुर का वध करके आप लोगों को आपका स्थान पुनः दिलवाऊं। क्या उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की? ओहो अच्छा विनाश करते हैं मैंने। और ऐसी सेना तैयार की जिसने असुरों को पराजित कर दिया, और हम विजयी हुए। ये सब मेरी रणनीति ओहो और कुशल शासन का परिणाम। ओहो यदि मैं प्रयास ही नहीं करता तो आप लोग अब तक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे होते। और अपने आश्रय के लिए भटक रहे होते। सही। मैंने अपने सामर्थ्य से आप लोगों को कई बार संकट से मुक्त किया है। दुआ दे मां ऋषिकांति जी को है। ये मेरा आश्वासन। ये उचित नहीं है देवराज। हाँ नंदी नहीं रुकेंगे। कुमार जी का भी गुस्सा उतना ही है। सब साक्षी है, यदि आपको विजय मिली है तो उसका कारण हमारे कुमार थे, नहीं तो आप उसका सारा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं। क्या अन्याय है? इस सभा में इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आइए कुमार, आइए। नंदी सही कह रहे हैं, ये विजय आपके बिना कहां संभव हो पाती। सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! क्या बात है नारद। सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! उचित है। शिव पुत्र की जय जयकार उचित है, किंतु जय जयकार ही करनी है तो महादेव की करनी चाहिए। तो
क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के बिना हम विजय कदापि नहीं हो सकते थे। किंतु देवराज, तारकासुर का वध तो कार्तिकेय ने किया था। देव ऋषि, यदि बात श्रेय देने की है तो उन्हें दो जो इसके पात्र हैं, और वो हैं महादेव। ओ, इधर बिगिन नहीं कर रहा। रिलैक्स हो। सेनापति का केवल इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र है। इससे अधिक कुछ भी नहीं। गलत आसान किया है ना। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? सेनापति कार्तिकेय ने अपने साहस का उदाहरण अवश्य दिया, किंतु किसी भी योद्धा को ऐसी दिव्य शक्तियों के साथ सशस्त्र कर दिया जाए तो वो भी साहसी हो सकता है। सेनापति की जय जयकार। क्यों सेनापति कार्तिकेय, क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? कार्तिकेय, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं पुत्र, किंतु तुम्हारी परिपक्वता हेतु अनिवार्य है कि संसार का सामना तुम स्वयं करो, स्वयं निर्धारित करो क्या सही है क्या नहीं, सत्य और असत्य में अंतर करना सीखो, शंकाओं का निवारण करना सीखो। सही बात है। तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अन्यथा तुम अपने माता पिता की छाया से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी करना असंभव है। जवाब देंगे। सही कहा आपने देवराज इंद्र, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इस जय जयकार के भी योग्य नहीं। जो भी किया है मेरे माता पिता ने किया है। जय जयकार तो केवल माता पिता की ही होनी चाहिए। मूर्ख तो मैं हूं जो अपने माता पिता के साहस, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्तियों को अपना समझने की भूल कर बैठा। सही कहा आपने देवराज, सही कहा। सही फैसला।
तुम दोनों की विजय में जीत तो मेरी ही। कदापि नहीं, आप हमसे चौसर में हार रहे हैं और इसमें आपकी कोई विजय नहीं। भाई क्या हुआ, आप तो वही वो देव राजेंद्र की तरह हंस रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन यार जिस पे एहसान करो उसके शर से जरूर बचना चाहिए। ये वाकई भाई ठीक है, लेकिन देख लो कि भाई कैसे एक काजी के ने जी ने एक भाई सारी चीजें सिद्ध की, इतनी मेहनत की। देख ले छोटा सा था तब भी एक बार उनका मन नहीं था युद्ध में आने के लिए, योद्धा बनने के लिए, लेकिन महादेव जी ने कैसे टेस्ट लिए, फिर उनको तैयार किया, फिर ऐसा योद्धा बनाया कि उनके जैसा भाई है ही कोई नहीं। इतनी उन पर मेहनत की गई थी और खुद भी उन्होंने स्वयं भाई इतनी मेहनत की थी, दिन रात जाकर आपने देखा कि रात को वहाँ पर आ जाते थे, लगे रहते थे, इतनी देर लगे रहते थे। लेकिन देख ले जब वो तैयार हो गया, लेकिन पीछे हाथ तो महादेव जी का वो ठीक है, शक्ति तो उनकी है माता पिता की, लेकिन आगे कार्तिकेय ने भी किया है। लेकिन जब भी देव इंद्र के पास जाते हैं वो एक दिमाग में ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे लोगों के जो कार्तिकेय के माइंड में ना फूट डाले। आप देख ले कि ये भी उन्होंने ऐसी गेम खेली है, पहले भी डाल दी थी कि वो खुद घमंड करने लग गए थे तब भी उन्होंने किया था। देखो ना, एक एक देव इंद्र के लिए नहीं जन्म लिया कि देव इंद्र का अंत करेंगे और बाद में वो एक रिलैक्स हो जाएंगे। अभी देव इंद्र का नहीं तारकासुर का। अभी काफी एक कार्य है जो करने वाले हैं, अभी काफी काम है, अब इस पर टिके रहे तो ये चीजें भूलें कभी ना, क्योंकि वो तो एक छोटा सा काम था, एक तारकासुर चला गया, उसका वध हो गया, अब हर चीज होगी। लेकिन अब देखो ना, एक देव इंद्र की नहीं समय लगती कि वो क्या चाहते हैं, एक उनके अंदर ये अहंकार क्यों आ गया, इसमें कोई शक नहीं। महादेव जी ने सही बोला कि हम हर दफ़ा आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, आपको एक माता पिता के साय से अब एक दूर होना चाहिए, दूर आप पैरों पर खड़ा होना चाहिए, खुद एक दफ़ा लड़नी चाहिए, और आपको भी पता चले कि समाज कैसा है, और समाज का पहला जो है ना वो परिणाम उनको मिल भी गया है देवराज इंद्र की सूरत में। और उम्मीद है कि यही एक सबक उनके लिए काफ़ी होगा जिसकी वजह से वो आगे जो है ना वो संभल के पाँव रखेंगे हैं। लेकिन ये कि अब देखो हमें थोड़ा बैड फील हो रहा है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये बेहतर। लेकिन एंड के ऊपर भाई एक नई आवाज़ सुनाई तो दी है, अब देखो उसका क्या वो कौन है या कौन क्या है, ये आगे पता चले अगले पार्ट में देखते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।